छत्तीसगढ़ में विधानसभा 2023 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विधानसभा प्रत्याशी की दावेदारी भी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में काफी संख्या में लुंड्रा विधानसभा से जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह के लिए टिकट की मांग को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के निवास पहुंचे। दरअसल लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने अपना प्रत्याशी के तौर पर प्रबोध मिंज को उतार दिया, तो इधर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की, लेकिन मौजूदा समय में कांग्रेस विधायक डॉक्टर प्रीतम दाम है। इसी को देखते हुए आज लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से काफी संख्या में पहुंची महिलाओं ने उप मुख्यमंत्री टी एस सिंह देव से उनके निवास में मुलाकात कर जिला पंचायत अध्यक्ष को लुंड्रा विधानसभा से टिकट दिए जाने की मांग की। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह ने अपने 27 साल की राजनीति को बताते हुए अपनी दावेदारी प्रस्तुत तो कर दी है। इधर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी है और विकास के काम भी बेहतर हुए हैं, यही वजह है कि दावेदारों की संख्या बढ़ रही है। तो मैं खुद सर्वे अपने क्षेत्र में करवा रहा हूं और जो नाम सामने आएंगे उस पर ही विचार कोर कमेटी के पास रखकर निर्णय लिया जाएगा। चूंकि 27 साल मुझे भी राजनीति में हो गया है और हमेशा सबके साथ मिल के काम करना हमने सीखा है और पार्टी की जो निर्देश अभी तक जो मिले हमने हमेशा उसका पालन किया है और लगातार 4 बार जिला पंचायत के लिए लड़ी, 1 बार सरपंच के लिए। तो ये बात आई कि महिलाओं की तरफ से कि आप क्यों ना एक बार ट्राई करिए, महिलाओं को एक बार टिकट मिलना चाहिए, तो ये सारे लोग ने मुझे फोर्स किया, तो आज सारे लोग मेरे को साथ देने के लिए यहाँ पर आए। बाबा से मुलाकात हुई, बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला कि अभी तो कोर कमेटी की बैठक हुई नहीं है, अपन जब बैठक होगा तभी कुछ बता पाएंगे, बाकी कोशिश जारी है। मतलब आप भी रेस में कहीं ना कहीं दौड़ रही हैं तेजी से? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे कि एक सीट महिला को दिया जाए और लुंड्रा से हम लोग हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह के लिए आए थे कि उनके लिए दिया जाए। क्यों, अभी भी तो आप ही की पार्टी के वहाँ प्रत्याशी हैं? ठीक है, लेकिन पुरुष वर्ग नहीं, महिलाओं के लिए हम चाह रहे हैं एक सीट महिला को दिया जाए, महिलाओं के लिए। कितने की संख्या में आए थे वो? बाबा से मिले तो क्या बाबा ने कहा? बाबा ने कहा कोशिश करते हैं, और हमारी संख्या तो 2000 से ऊपर है।